हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। माई नेम इज ऋषि एंड यू आर वॉचिंग ऋषि माय ब्लॉग। सो गाइज, आज मैं आपके लिए बहुत ही एकदम मस्त चीज़ लेकर आया हूँ। फिर से ना ही मैं ब्लॉग लेकर आया हूँ, ना ही मैं ये वाला चैलेंज लेकर आया हूँ, क्योंकि ब्लॉग तो मैं ला नहीं सकता और ये चैनल मैं पहले से ही दो बार ला चुका हूँ ऐसा वीडियो। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ, आपने तो टाइटल पढ़ ही लिया है, मैं फालतू का इतना एक्टिंग कर रहा हूँ। तो मैं आज आपके लिए पहले मैं बता दूँ आपसे कि आपको मेरे अंदर कुछ चेंजिंग लग रही है, मतलब अगर नहीं लग रही तो जाइए मैं पिछली वीडियो देखिए, उसमें देखिए मैं कैसे लग रहा था और अब देखिए, पता है आप सबको पता चल जाएगा। पर अभी जो नए नए देख रहे हैं या फिर कुछ और, तो उनको पहले से बताओगे, अगर पता चला तो कमेंट बताओ, मैं अगली वीडियो में आपका मैं मतलब कि शॉर्ट आउट दूंगा कि किसने बताया है। तो गाइस, आज मैं बता दूँ आज मैं क्या करने वाला हूँ। आपने टाइटल पढ़ लिया है, फिर मैं बता देता हूँ आज मैं करने वाला हूँ ट्राई नॉट टू लॉस चैलेंज। तो गाइज, आपको लग रहा होगा मैं किसी के साथ कर रहा हूँ, किसी के साथ मतलब कि बहुत लोग करते हैं, अपने फ्रेंड्स साथ करते हैं, किसी और के साथ करते हैं। मैं तो अपने फ्रेंड को ला नहीं सकता क्योंकि लॉकडाउन है और मेरे घर में तो मतलब मेरी दीदी मेरे साथ वीडियो बनाती नहीं है। मैंने उसे बोला है कई बार, लेकिन वो बोली कि बनाएंगे, बाद में बनाएंगे। तो मैं सोचा कब तक उसके लिए वेट करूँगा, तो मैं अपने अकेले बना लेता हूँ। फिर भी मैं लेकर आऊँगा ट्राई नॉट टू लॉस चैलेंज पार्ट टू अपनी दीदी लोग के साथ, मतलब हाँ लेकर आऊँगा किसी न किसी के साथ लेकर आऊँगा फिर से मतलब आगे। और लेकिन मैं आज बता दूँ, आज मैं अपना अकेले करूँगा, आप साथ चैलेंज करूँगा। हाँ, मैं फनीस्ट वीडियो देखूँगा और आपके पास भी 5 लाइफ लाइन होगी, मेरे पास भी 5 लाइफ लाइन होगी। लाइफ लाइन की बात ज़रूरी नहीं है क्योंकि हमें हंसी आएगी, हम रोकेंगे नहीं सकते, लेकिन हम देखते हैं। आप कमेंट बताइएगा कितने बार आप हंसे हैं, क्योंकि मुझसे तो मेरी हंसी कंट्रोल होती नहीं है। और अगर देखते हैं, कोशिश करते हैं, पर मज़ा तो बहुत आने वाला है। चलिए वीडियो एंजॉय करिए। सो गाइस, मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ वीडियो और मुझे अपनी हंसी कंट्रोल करनी है, आपको भी हंसी कंट्रोल करनी है। अब मैं सोचा जो कोकिला मोदी का जो है वो ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा मैं चला है, तो मैं सोच रहा हूँ कि उन्हें को क्यों ना देखा जाए। एक आंटी जी है ना, वही बनाती हैं कोकिला। तो चलो स्टार्ट करते हैं, आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखेगा, मैं मोबाइल में देख रहा हूँ। ओके मिठे, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? मुझे बताओ कि ये पानी यहाँ आया कैसे? नानी भाभी, शायद ये पानी राशि भाभी के कमरे से आ रहा है। पानी पूरी, रगड़ा पैटिस, रसगुल्ला, मोटा भाभी, ये है बिल। इतना बड़ा बिल है भगवान, कितना बड़ा झूठ राशि, कि तुमने व्रत रखा है जन्माष्टमी का, दूसरों के मामले में टांग अड़ाने से पहले अपनी गिरेबान में झांक कर देखिए। क्या मतलब कि कुछ नहीं, देखिए आगे ले जाइए अपनी बहू को। अब खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? प्लेट में नाश्ता परोसो, मैं इनको नाश्ता खिला कर आती हूँ। नहीं, कितनी बार कहा है कि वो ये नहीं खाता? ब्रेड, दूध, कॉर्नफ्लेक्स। फोन में बस क्या? नहीं, खुद फोन पर गप्पे मार रही हो और वहां मेरी गोपी बहू काम कर रही है तुम्हारा। क्या मतलब कि जमीन लोट पोट लोट पोट। चलो अगला वीडियो देखते हैं। वैसे मेरी हंसी कंट्रोल हो नहीं रही है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि मुझसे मेरी हंसी कंट्रोल होती नहीं है, फिर भी देखते रहे, चलते देखते हैं क्या हो रहा है। गोपी बहू, मैंने तुमसे साफ साफ एक छोटा सा सवाल पूछा है और मैं चाहती हूँ कि तुम उसका सच सच जवाब दो। बोला वहां कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था?
मैं थी, तू थी, कौन था? कौन था? कौन था? कौन था? कौन था? अश्विन राशी, सच सच बताओ, सोच समझ कर तुम वहां थी या नहीं? रे, हुआ क्या? इतना क्यों रो रही हो? मैंने तुम्हें मारा, पीटा, तुम पर हाथ उठाया? नहीं ना, ये बॉक्सिंग चल रहा है। तो फिर क्यों बाल्टी भर भर के तसुए बहा रही है? तुम्हारा हाथ पकड़कर खींच कर मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई। अपनी तरफ खींचो। हाँ, अब इसको मोड़ो, हुआ ना ठीक? तब फोड़। ये थोड़ी साइकिल साइकिल टूट गई होगी। चल जा तू अब। गोपी बहू, मैंने तुमसे क्या कहा था? गुलाब के फूल और गेंदे के फूल, यही कहा था ना? हाँ माँ जी, माँ जी वो शायद ऐसे ऐसे ऐसे। गुलाब की जगह मैंने कैक्टस बोल दिया। गोपी बहू, तुम ऐसे गलती कैसे कर सकती हो? गोपी बहू, तुम ऐसी गलती कैसे कर सकती हो? ये क्या? अरे अरे अरे, ताकतवर वो। अरे देखा है मोटा भाभी, जितना लाड प्यार से तुझे संभालती है और रखती है ना, उतना लाड प्यार तो वो अपनी पोतानी वह को भी नहीं करती। सुन छोकरी, मेरी शादी को तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी गई? तो कि आप मेरी एंगेजमेंट रिंग छुपा देंगी तो मेरी एंगेजमेंट नहीं होगी, बोलिए। माँ जी, मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता ये अंगूठी मेरे पल्लू में कैसे आई। महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी सगाई की रस्म है और सगाई की अंगूठी हमें मिल गई है। पर माँ जी, मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन कीजिए। मैं जानती हूँ गोपी बहू। अरे कुकला, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी, जम्मानु शू करवाने छे। मोटा भाभी, आप बिल्कुल ठीक बोल रही है, मैं भी परेशान हो गई। अब ये हमारी बहू है, देखिए ना, कब की निकली हुई है, अभी तक आई नहीं है। अब सांझ होने चली है, रात के खाने की भी तो तैयारी करनी पड़ेगी, इसीलिए ये भिगोई हुई दाल चढ़ा देती हूँ। कुकला, बनने जानी मासी के लिए कोई तोहफा लेने गई है, उसी में उलझ गई होंगी। ला, तब तक मैं आटा गूंथ देती हूँ। सारू, तब तक मैं दाल चढ़ा देती हूँ और तू जल्दी से सब्जी निकाल और चौंक लगा। चल चल। ठाकुर जी, वो तो पहले से ही, क्या हुआ माँ? जिगर, वो तो पहले से ही बेशरम था। सोनल, सोनल को देखा तुमने? अभी तो जिगर के साथ लगन नहीं हुआ है उसका, और कैसे खिकी-खिकी हा 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 कर रही थी। आजकल की छोकरियाँ, उन्होंने तो शर्म ना बेच खाई। रंग लेके खेलते, गुलाल लेके खेलते, राधा संग होली नंद लाल खेलते। बोलो साहब, दो गोपी बहू। शू थे, मुंह में जबान नहीं है तुम्हारी? जवाब क्यों नहीं दे रही है? गूंगी हो गई है। कुकला शांत हो जा, बच्ची। वाह भाई वाह, सी कुकला मैंने पहली बार देखे हैं, ऐसे बक्सा पार्ट कितने खंडित कर दिया है।
मेरे दिल को गहरी चोट पहुंचाई है गोपी ने। मेरी सूची के हिसाब से सारा सामान है ना? जी। और फेशियल का क्रीम भी है ना इसमें? जी। जाओ अब गोपी बाव, इसमें मेरा फेशियल का क्रीम है, निकालो और मुझे लगा दो। ने हद कर दी है मेरे दिखरे की लंबी उम्र के लिए रखने जाने वाला व्रत तुमने तोड़ दिया। बहुत गलत किया तुमने गोपी। खाना खाने के बाद मैं थोड़ा टहलती हूँ रात्रि में, पुरुष मेरे नजदीक नहीं आता, नजरों से देख के बाहर जाता है, जय श्री राम कहते ही कांप जाता है और बाहर चला जाता है। मुझे गलत दृष्टि से मत देखना, मौत हो जाएगी वरना तो। मोटा भाभी आप कुछ नहीं बोलेंगी ना कोके वो नहीं कर। चाल गोपी बाऊ, चाल मारी साथ है कोके, मारी बात तो चाल गोपी बाऊ, चल चाल गोपी बाऊ। नहीं मैं माझी राशि बेट का सच में अपहरण हो गया है। गोपी बाऊ मैं समझ सकती हूँ कि तुम अपनी बहन राशि के प्रति चिंतित हो, लेकिन तुम अच्छी तरह से जानती हो उर्मिला बहन और राशि ने हमेशा झूठ बोला है, इसलिए बेहतर है कि तुम परेशान ना हो। बाजी, बाबाजी, तुमने सिवाय आंसुओं के मेरे बेटे को कुछ नहीं दिया। मैं नहीं मानती कि इसकी वजह ये है कि मैंने अपने दीकरे के लिए लड़की चुनी। किसी का दिल जीतने की कोशिश करनी पड़ती है। तो तुम क्या कर रही हो? तुम रोती हो? रोती हूँ। तमाशे खड़े करती हो। मने आ मंजूर न थी। न ऐसी बीवी, न ऐसी बहू। न ऐसी बीवी, न ऐसी बहू। इके बड़ो लोकेर बेटी लो लंबा लंबा चूल एमन माथाय बेंधे दे बोला বড় লোকের বেটি লো লম্বা লম্বা এমন মাথায় বেঁধে দে। আজ ইতনা মহত্বপূর্ণ ক্লায়েন্ট আয়া থা আর তুম ইয়ে কঙ্গন লেনে চলে গয়ে। ইয়ে কঙ্গন মেন দেখ রহি হুঁ কি তুমহারা ধ্যান কাম পর কম আর সমাজ সেবা মে জ্যাদা লাগা রহতা হ্যায়। এ কহ রহা হ্যায় মেন ডক্টর হুঁ, মেরে জেসে ডক্টর কো আগ লাগা দেতা মেরা রাম। राम की भक्त हूँ मैं, एक सांस कमरे में बंद करके देख, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, ये करूंगी तेरी सुए लगा के राम नाश कर देगा तेरा। आया मैं डॉक्टर हूँ तुझे मौत। हद है यार, 5 दिन से बाहर नहीं निकली हो, कब तक मुझे यहाँ कैद रहना पड़ेगा? अंदर घुसे घुसे घुटन हो रही है मुझे, बिना चुगली बुराई के एक औरत कितने दिन रहे आखिर? बस बहुत हुआ, अब नहीं डरूंगी। हाथ अंदर ले रे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में पैर रखने की? माँ जी वो चाय में जहर था, वो चीनी नहीं फिनाइल की गोलियां थी। हेलो अस्सलाम वालेकुम, जैसा कि आज हमारे साथ टकला सागर मौजूद है। क्या हो गया ऐसे गुर का? कैसे काहे बोल दिया रिपोर्टर? क्या बोल दिए हम? तुम टकला सागर बोल दिया रिपोर्टर? नहीं तुम आज मतलब से कभी। अच्छा गलती हो गया सागर, आपसे नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, गलती हुआ। अहम तुम गोपी बहू को फोन लगा और पूछो कि वो कब तक पहुंच रही है। गोपी फोन नहीं उठा रही, घर के नंबर पर लगा कर देखो। घर पर भी कोई फोन नहीं उठा। कृष्ण भगवान, इतनी ठंड में गोपी वो रात भर मेरे रूम में जमीन पर सोई? ये बड़ी
फातिमा। अच्छा ये बताओ कि गाना बजाना कुछ शौक है कि नहीं, कि फिर खेल कूद और फिर पोती बाजने में ही मन लगता है गाना बजाना? गाओ बेटा। अजीब ये आप क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, दिखना पड़ता है जो पड़े छे भाई। आजकल की लड़कियां ना सब नकली लगाती है, वो क्या नकली पलके नकली आंखें। अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। मित्रों छन से जो टूटे कोई सपना, ये क्या कर रही हो तुम? इस बच्ची को खींच कर कहां ले जा रही हो? मोटा भाई, आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि आज आप मेरे और मेरी बहू के बीच कुछ मत बोलिए। सो गाइस, मैंने आज बहुत ही हंस लिया, मतलब मुझे बहुत मजा आया। आपको मजा आया तो कमेंट्स में जरूर बताना, और बताना कि वीडियो कैसे लगा। अगर अच्छा लगा लाइक भी कर दीजिएगा और मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फिर मैं क्या बताऊँ, मतलब कि इससे सब टिकटॉक बना रहे हैं, होता है थोड़ा। मैं तो दोनों बनाता हूँ, मैं भी टिकटॉक बनाता हूँ। मैं टिकटॉक आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ये भी मेरा टिकटॉक आईडी नेम है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा जरूर, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपके पास भी कुछ और फनी वीडियो है तो मैंने अपने जीमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में लिख दी है। और अगर आपके पास कोई ऐसी फनी वीडियो है तो मेरे जीमेल सेंड कर दीजिएगा, तो मैं वही वीडियो अगली बार उस वीडियो को देखकर मैं वीडियो बनाऊंगा। मैं भी ऐसे ही और आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। कमेंट बताना कि मैं और भी ऐसे कौन सा वीडियो लाऊं। मैं कोशिश करूँगा बहुत अच्छी वीडियो लाऊंगी। मैं अभी दो वीडियो मैंने सेंड किया था, चैलेंज है बगल से, बताना मैं कौन सा लाऊं। मैं सोच रहा हूँ जो भी हो लाऊंगा, बहुत मस्त लाऊंगा। मैंने सोचा ट्राई नॉट ऑप्शन नहीं दिख सकूँगा, मेरी दिखाई है। लेकिन छोड़ो, मैं अपने लिए अगर आपको मज़ा आया तो ज़रूर लाइक करके बताना, कमेंट करके बताना प्लीज़, और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं ऐसे ही और भी ढेर सारे फन वीडियो ला। मैंने तो बहुत मजे कर लिए, तो मैं चलता हूँ जल्दी मैं और बहुत सुनूँगा। वैसे तो मैं बहुत करता ही हूँ। अगर आपको मेरा एक टू जेड होम रूटीन चाहिए तो कमेंट्स में बताना, लाइक कर देना, तो मैं अपना होम रूटीन लाऊंगा, एक मुझे पूरा दिखाऊंगा मैं सुबह से लेकर रात तक क्या करता हूँ। चलता हूँ मैं, अब मैं लूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, स्टे होम स्टे सेफ एंड बाय बाय बाय।